नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। इजराइल और हमास की जंग पिछले 8 महीने से जारी है। इसी बीच अब 4 महीने में पहली बार हमास ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की है। रिहायशी इलाकों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इसमें कितने लोगों को हानि पहुंची है। लेकिन रिहायशी इलाकों पर यह एयर स्ट्राइक किया गया है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान हुआ होगा। इसी बीच तेल अवीव में उसने मिसाइलों की बौछार कर दी। इस हमले के बाद इसराइल में लोग दहशत में आ गए। एयर सायरन बजते ही लोग इधर उधर भागने लगे। हमास ने सेंट्रल इसराइल पर 8 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसराइल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरे। तेल अवीव के कई घरों से धुआं उठता दिखा। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में जा छिपे। बताया जा रहा है कि इसराइल हमास के रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। हालांकि हमास के इस हमले में किसी को मारे जाने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। उधर इजरायली सेना ने कहा कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन इसमें क्या अपडेट सामने आएगा वो क्राइम तक आपको बताता रहेगा। और अगली खबर, ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने अपने क्षेत्र के आसपास कई चीनी जहाजों को ट्रैक किया है, विमानों को ट्रैक किया है। बताया गया है कि क्षेत्र के आसपास 21 चीनी सैन्य विमान, 11 चीनी नौसैनिक जहाज और 4 चीनी तटरक्षक जहाजों को ट्रैक किया गया है। चाइना की सेना ने कल संडे पूरा दिन और आज सुबह 6 बजे तक इन जहाज़ों को ट्रैक किया है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक इन 21 चीनी सैन्य विमानों में से 10 ताइवान के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुस गए। चीन के गतिविधियों को देखते हुए ताइवान के बलों ने भी नौसेना के जहाज़ों और तटीय मिसाइलों को तैनात कर दिया है। यानी कि जो खतरा है उसके लिए कई जहाज़ों को तैनात कर दिया गया है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसके लिए उन्हें पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है, वो उन्होंने कर दी है। लगातार उन्होंने अपने क्षेत्र के आसपास कई चीनी जहाज़ों को, विमानों को ट्रैक किया है। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर टोर्नाडो की वजह से 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है। करीब कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के कई राज्यों में इस टोर्नाडो की वजह से कई बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, कई गाड़ियां तबाह हुई हैं, लोगों की जान गई है। अमेरिका मौसम विभाग ने इन राज्यों में चेतावनी जारी की है। टेक्सास, ओक्लाहोमा में चेतावनी जारी कर दी गई है। टोर्नाडो के कारण कई इमारतें, बिजली, गैस लाइन और पेट्रोल पंप तबाह हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीमों को भेजा जा रहा है। इलिनॉइस, केंटकी, मिसौरी और टेनेसी शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ बेसबॉल के आकार जितने बड़े ओले गिरे हैं। इसकी वजह से 40 लाख से ज्यादा लोग डर के साए में जी रहे हैं। इन राज्यों में हवा 136 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि काफ़ी तेज़ हवा चली है इस टोर्नाडो की वजह से। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई पेट्रोल पंप और बिजली का भी नुकसान हुआ है, बिजली काट दी गई है। चेतावनी जारी कर दी गई है। जो बाइडेन लगातार इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। और अगली खबर, इसराइल ने राफा में मौजूद हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें करीब 35 फिलिस्तीनियों की मारे जाने की खबर सामने आई है। इसके मुताबिक हमले के बारे में जानकारी देते हुए फिलिस्तीनी स्वास्थ्य और नागरिक आपात सेवा अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शहर के एक इलाके में इसराइली सेना ने हवाई हमले किए हैं। हमलों में 35 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं इसराइली सेना ने कहा कि उसकी वायु सेना ने राफा में हमास के एक ठिकाने पर हमला किया और यह हमला सटीक गोला बारूद और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। यानी कि इन्फो पहले मिली थी, जिसके बाद हमास के उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां पर गोला बारूद मौजूद था। इसलिए इसराइली सेना ने उन ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें खबर सामने आई है कि 35 फिलिस्तीनी इस हमले में मारे गए हैं। और अगली बड़ी खबर, इसराइल और हमास की जंग की वजह से दूसरे देशों पर भी इसका असर नजर आ रहा है। हाल ही ताज़ा मामला कनाडा से सामने आया है, जहां पर लड़कियों का यहूदी स्कूल को निशाना बनाया गया है। सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें दो लोग स्कूल के बाहर आते हैं, गाड़ी से नजर आते हैं, उसके बाद वो फायरिंग करते हैं और फिर फरार होते हुए भी नजर आते हैं। इस घटना के बाद पूरे कनाडा में यहूदियों से जुड़े स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टोरंटो की पुलिस के मुताबिक हमलावर शनिवार की सुबह करीब 5 बजे एक ब्लैक कलर की कार में सवार होकर आए थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो शख्स कार से उतरकर दरवाजे के सामने स्कूल में फायरिंग करते नजर आए। फायरिंग करने के बाद हमलावर कार में बैठकर फरार होते हुए भी नजर आए। स्कूल में सुबह सुबह
इन लोगों ने लड़कियों के स्कूल पर ही फायरिंग की है, यहूदी स्कूल पर ही फायरिंग की गई है, यानी कि इज़राइल और हमास की जंग का असर दूसरे देशों में भी नजर आ रहा है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।